जयराम श्यान ले श्यान बैठ। का बना रहे कक्का? नांगर के मुठिया छोल थुसियान, कैसे आए हस? अरे धान बीज किनाने आए कक्का। अच्छा तो धान बीज नहीं आए का तुर पास? बचा रहा हूँ श्यान, ते ना धजा में सा धजम बर नहीं कर इस बात को। बोनी करवा डाल रहा बोनी? हाँ बोआ डाल रहा पूरा। तो बीच अमृत वो नहीं मिला, नहीं बोआ रहा इसका? नहीं तो नहीं करवा पा रहा श्यान बीज अमृत। बीज अमृत का होते श्याम? ते बीज अमृत मिला कि नहीं बोआ रहा इसका? नहीं बोआ रहा श्याम, आधा जमे साधा जमे नहीं करिस। बीज अमृत का होते। अच्छा एक चीज नहीं बस बता यार कक्का, बीज अमृत कैसे बनाई जाता है? अरे यार बीज अमृत का होते कक्का, अरे कैसे बनाया जाता है बीज अमृत श्याम? ये जो अपन मिट्टी और बीज में जो बीमारी होते है रोकथाम के लायक जो है इला बीज में मिलाया जाते है। बीज अमृत? हाँ बीज अमृत बीज में मिलाया जाते है इला। नशियान ये बीज अमृत तो महंगा दवाई हो ही याद? महंगा नहीं आवे श्यान, अपन तो घर में ही अपन बना सकते नहीं अपन। बीज अमृत ला घर में कैसे बनाए जाते श्यान, ये भी दिल महुल समझाई के बता ना। ठीक है श्यान, मैं बीज अमृत बना के दिखाती हूँ। मैं सबसे पहले बीज अमृत बना जो जो सामान लगते थे इकट्ठा कर ले। हाँ सामान रहे तब ना बना वो। ठीक है श्यान, सामान इकट्ठे कर ले। एक बाल्टी में 20 लीटर पानी, 20 लीटर पानी, 5 किलो ताज़ा गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1/2 किलो लाल चींटी के घर की मिट्टी, 50 ग्राम चूना पाउडर, 1 पतला कपड़ा और 1 डंडा। सबसे पहले हम पतला कपड़ा में 5 किलो गोबर ला रख देते हैं। अब जो है 5 किलो गोबर ला जो है पतले कपड़ा में ला बांध दे, ढीला बांध दे ला। जो गोबर गट्ठा है तेम हम ये डंडल ऐसे फसाए दे। ये 20 लीटर पानी में ये गोबर ला जो है डंडा के सहारे से इला 12 घंटे के लिए इसको डुबा दिए। कक्का या 20 लीटर पानी में या गोबर ला 12 घंटा कैसे में फिजोई देता? कक्का अपन या गोबर में या पानी ला पानी में 12 घंटे के लिए कैसे में डुबो थन कि जो गोबर जो तत्व रहते है वह है तो पानी में जो है उकर तत्व जो है बराबर पानी में मिल जाते है। बारह घंटे के बाद जो है ये पानी से जो है गोबर ला हम निकाल ले। बाल्टी से गोबर ला निकालने के बाद जो है इसमें 5 लीटर गौमूत्र मिलाए थे। गौमूत्र मिलाने के बाद जो है 1/2 किलो लाल चींटी के घर की मिट्टी मिट्टी ले भी डाल दे थे।
लाल चींटी की घर की मिट्टी मान लो कि बात नहीं मिले तब जो कैसे करने पड़ी कक्का। सियान अपन जो है लाल चींटी की घर की मिट्टी अगर ना मिले तो अपन दीमक वाले पुत्ती की मिट्टी भी हम अपन मिला सकथन, या फिर पुत्ती की मिट्टी भी ना मिले तो ऐमा फिर अपन पीपल या बड़ा की पीपल या बड़ के झाड़ के नीचे की मिट्टी भी अपने मिला सकते हैं। सियान अब जो है 50 ग्राम चूना पाउडर अपन भी एम डाल दें अपन। जो गोबर के घोरे हरा तत्व वाले 20 लीटर पानी है, 5 लीटर गौमूत्र, लाल चींटी घर की मिट्टी, 50 ग्राम चूना, इनला सब मिलाने के बाद ये डंडा की मदद से 12 बार बाया से दाया और 12 बार बाया से दाया इसको अच्छे से इसको अच्छे से मिला लेथन। जैमा हिन सफा चीज अच्छे से मिल जाते हैं। 5 लीटर गौमूत्र, लाल चींटी घर की मिट्टी, 50 ग्राम चूना, इनला सब मिलाने के बाद 20 लीटर पानी में या गोबर ला जो है 12 घंटे के लायक ला डुबा दे डंडा के सहारे से। 12 घंटे के बाद जो है ये पानी से जो है गोबर ला हम निकाल ले। बारह बार दाया से बाया से कम इसको हम और बाया से दाया इसको 12 बार अच्छे से इसको मिला लेते हैं। जैम है इन सब चीज़ अच्छा से जो है मिल जाते हैं। चक्का जब ये घोल जो बन गया वो बन गए हमारे बीज अमृत। बीज अमृत से बीज उपचार कैसे करते हैं यू विधि ला बताए देना। ठीक है सियान, ये बीज उपचार कैसे करते हैं तेहू ला बताते हूँ, अच्छे से ध्यान देवे। ठीक है, बवनी वाले धान में जो है अपन ये बीज अमृत ला जो है हल्का हल्का एम छिड़क देने से इला मिला लेने ला बीज अमृत। हाँ बीजा धान में हो कक्का जो है इसको जो है अपन इसको 1 घंटा जो है छाव में इसको सुखा के बढ़िया और इसके जो है अपन बुआई इसमें 1 घंटा बाद इसके बुआई कर सकते हैं। कक्का बीज अमृत से धान बीज भर के उपचार कर सकते हैं कि और बीजन के उपचार कर सकते हैं। नहीं सियान, हम बीज अमृत से सभी प्रकार के बीजन के बीज उपचार कर सकते हैं। बीज अमृत बना समय कौन कौन से बातन के ध्यान रखना चाहिए। बीज अमृत बनाने समय जो है गोबर और गौमूत्र जो है स्वस्थ गाय के होना चाहिए वो, और उसमें जो है 50 ग्राम चूना मतलब 50 ग्राम ही होना चाहिए, ज़्यादा उसमें नहीं होना चाहिए। कारण कि चूना जो है गोबर और गौमूत्र के अम्ली गुल्ला कम करते हैं। सियान बीज अमृत के उपयोग हम काहेला करथन। सियान हम यह बीज अमृत के उपयोग ऐसे में करथन, मिट्टी और बीज में जो बीमारी रहते हैं तेखर रोकथाम के लग जो है एक उपयोग करथन। धन्यवाद सियान, बीज अमृत बनाए के उखिर से बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सियान, धन्यवाद का ये विधि सभी किसान भाई को अपनाना चाहिए कि कैसे कि यह विधि सरल और सस्ता है। धन्यवाद कक्का।